हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग के इस नए वीडियो में। मैं ऐसा करता हूँ आप लोग ठीक हैं, मस्त होंगे। यहाँ पे देखिए कितना बवाल तरीके से जो कि फेस स्मूथ का राज खोल दिया हूँ इस वीडियो में। आप लोग को अगर सीखना है ना, तो बस आप लोग को शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फोटो एडिटिंग का जो है कि सिस्टम तोड़ देंगे भाई आप लोग, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, यहाँ से आप लोग शुरू से लास्ट तक वीडियो को देख लीजिए और आप लोग फोटो एडिटिंग का मतलब सिस्टम तोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो भाई लोग चलिए बिना देर के हम अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे देख लीजिए देखिए फ़ोटो कितना बवाल तरीके से फेस स्मूथ हुआ है एंड बहुत ही लाजवाब तरीके से मैंने फेस को गोरा भी किया हूँ। और ओरिजिनल फ़ोटो की बात करें तो यार ये रहा मेरा ओरिजिनल फ़ोटो, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग का ये है ओरिजिनल फ़ोटो, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग का ओरिजिनल फ़ोटो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे दिखा दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का ये है ओरिजिनल फ़ोटो, आप लोग को यहाँ पे दिखाते हैं जो है कि एडिटिंग जो किया हूँ वहाँ का ये वाला मेरा फ़ोटो है जो कि देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से लग रहा है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर ले। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर मेरे चैनल पे नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, एंड जब भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूं आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो फ्रेंड चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपने फ़ोटो को लेकर के गैलरी में, ठीक है ना। तो गैलरी से आ करके आप लोग को यहाँ शेयर वाला आइकन पे क्लिक करके एंड फ़ोटो को सबसे पहले आप लोग को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है, ठीक है ना। फ़ोटो को स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लीजिएगा दोस्तों, एंड जैसे ही क्लिक करते हैं ना मतलब सॉरी शेयर करते हैं ना, तो फिर से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप लोग को आना है टूल्स वाला आइकन पर, ठीक है। टूल्स वाला आइकन पे आने के बाद आप लोग को फिर से क्या करना है, सबसे ऊपर आप लोग को एक ऑप्शन मिल जाएगा जो है कि टून इमेज का, ठीक है। टून इमेज पे क्लिक कर देंगे, हल्का सा आप लोग को ब्राइटनेस को हल्का सा बढ़ाना है, एंड ब्राइटनेस को बढ़ाने के बाद सेचुरेशन को भी हल्का सा प्लस करेंगे, एंड इसको 14 रख लेते हैं और सेचुरेशन को है मतलब 7 रख लेते हैं, अपने फ़ोटो के हिसाब से रख लेना है, ठीक है। तो कुछ हम लोग यहाँ पर एम्बुलेंस पर आ जाएंगे एंड इसको हम लोग को कुछ यहाँ पर 27 के प्लस में रहने देते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर हाईलाइट को भी थोड़ा सा हल्का सा प्लस कर लेते हैं 23 के प्लस में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है सबसे मतलब यहाँ पे इसको हल्का सा माइनस कर देना है सॉफ्ट, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग को यहाँ पे डन कर लेना है। डन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है ना दोस्तों। इतना करने के बाद आप लोग को फिर से क्या करना है, टूल्स वाला आइकन पे आ जाना है, एंड यहाँ पर आप लोग को दूसरा ऑप्शन मिल जाएगा डिटेल्स का, ठीक है। तो इसको सबसे नीचे वाला आना है, ठीक है दोस्तों, सेव प्रिंटिंग पे। एंड इसको आने के बाद आप लोग को यहाँ पे कुछ 25 के आसपास में प्लस रख लेना है एंड यहाँ से डाउन कर लेना है, ठीक है। डाउन करने के बाद दोस्तों फिर से क्या करना है, यहाँ पे बिफोर एंड आफ्टर जो कि फोटो बहुत ही खतरनाक हो चुका है। उसके बाद आप लोग को फिर से टूल्स वाला आइकन पे आएंगे एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सिलेक्ट टूल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देंगे एंड एक लेयर मिल जाएगा। जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे ना तो एक लेयर मिल जाएगा, उस लेयर को अपने जहाँ पर ब्लैक पार्ट होगा ना यहाँ पर आप लोग को शरीर पर जहाँ पर मतलब फेस पर ब्लैक पार्ट होगा वहाँ पे ला करके छोड़ देना है एंड दो फिंगर से छोटा करना है, ठीक है। छोटा करने में यहाँ पे हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा देना है एंड यहाँ पे सेचुरेशन को भी हल्का सा कर देना है। उसके बाद डन कर लेना है। डन बाद फिर से वही काम कर लेना है, सिलेक्ट टू ऑल ऑप्शन पे आकर जहाँ जहाँ पर ब्लैक है वहाँ वहाँ पर करना है तो करना है, ठीक है ना भाई, करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर से यहाँ पर भी कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को फिर से क्या करना है, यहाँ प्लस वाला आइकन है ना वहाँ से कर करके आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग को फोटो को आप लोग को शेयर कर लेना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है ना दोस्तों। सो दोस्तों हम यहाँ से लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेते हैं, एलआर एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लिए हैं, वहाँ से आप लोग को चल के दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो चुका है, तो चलिए लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर चलते हैं। सो फ्रेंड जैसे ही आप लोग लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को मतलब यहाँ पे आने के बाद आप लोग को ओरिजिनल फ़ोटो देखने को मिल जाएगा जो शेयर किए होंगे, ठीक है ना। तो फिर से इसको आप लोग को कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। सबसे लास्ट में आ जाना है, यहाँ पे आप लोग को एक प्रीसेट मिल जाएगा। इस प्रीसेट को मैं मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो इतना करने के बाद आप लोग को ऊपर के राइट साइड में यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। 3 डॉट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोगों को कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे कॉपी सेटिंग पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पर आप लोग को हेलो वाला ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है एंड मास्किंग पे क्लिक कर देना है
गवर्नमेंट्री पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर आप लोग को ऊपर के यहाँ पे राइट साइड में डोनल ऑप्शन बना होगा, सही का निशान बना, इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इस पर क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ से बैक आ जाते हैं एंड अपने फ़ोटो पे आ जाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा फोटो है, ये ओरिजिनल फ़ोटो, ठीक है। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर इस फोटो को भी शेयर कर लेना है, उस प्रीसेट को भी शेयर कर लेना है, ठीक है। उसका लिंक मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आप लोग को यहाँ पे ऊपर के राइट साइड में थ्री डॉट वाला ऑप्शन मिल जाएगा एंड थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे तो हम लोग कॉपी सेटिंग किए थे, ठीक है दोस्तों, उस पर कॉपी सेटिंग नहीं करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा पेस्ट सेटिंग, ठीक है। तो पेस्ट जैसे ही क्लिक करते हैं तो थोड़ा देर यहाँ पे वेट करने वाले, यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लाइट वाला ऑप्शन पे आ जाना है एंड लाइट वाले ऑप्शन पे आकर के आप लोग को थोड़ा सा हल्का सा लाइट को हल्का सा माइनस कर लेना है। उसके बाद आप लोग को फिर से यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन पे आ जाना है एंड यहाँ पे मिक्स पे क्लिक करके एंड दूसरे वाले ऑप्शन पे आ जाना है ऑरेंज वाले कलर पे एंड इसको 100 माइनस कर लेना है एंड कुछ इसको इतना रख देना है, ठीक है ना। यहाँ पे सेचुरेशन को आप लोग को ऑरेंज वाला कलर याद रहना दोस्तों, ठीक है ना। ऑरेंज वाले कलर को आप लोग को सेचुरेशन को 100 माइनस कर देना है एंड इसको आप लोग को 70 के आसपास में इसको रख लेना है, जो कि ब्राइटनेस को, ठीक है ना, तो लिमिनस को। उसके बाद फिर से रेड वाला कलर पे आ जाएंगे एंड इसको भी थोड़ा सा हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ाएंगे। बस इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा कुछ इतना रह देंगे। उसके बाद यहाँ पे डाउन कर, यहाँ पे करके आप लोग को प्लस करके एंड यहाँ से डाउन कर लेंगे। डाउन करने के बाद दोस्तों फिर से आप लोग को यहाँ पे शेयर और आइकन मिल जाएगा, यहाँ पे शेयर टू पे क्लिक कर देना है। सो दोस्तों यहाँ से हम लोग शेयर कर लेते हैं। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ से स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना है। यहाँ से हम लोग स्नैपसीड एप्लीकेशन के अंदर जैसे ही शेयर करते हैं तो फिर से आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आप लोग को कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले जो मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप को फॉलो करना है। यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा टू सोल आइकन, टू सोल ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा सेलेक्ट टू ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है एंड जैसे स्क्रीन पर टच करेंगे तो आप लोग को एक लेयर मिल जाएगा, एक लेयर लगा दीजिएगा यहाँ पे। उसके बाद दो फिंगर से छोटा करके एंड इसको क्या करना है एंड इस पर क्लिक करके फिर से आप लोग को तीसरे वाले ऑप्शन पे आ जाना है सेचुरेशन पे, इसको 100 कुछ सो आप लोग को 30 के प्लस में माइनस रख लेना है एंड इसके बाद आप लोग को कंट्रोल को आप लोग को हल्का सा प्लस करना है, ठीक है ना, 17 को एंड 20 के प्लस में रह देना है, ठीक है। उसके बाद डाउन कर लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर से आप लोग टू सोल आइकन पे आ जाएंगे, सेलेक्ट टू वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे एंड स्क्रीन पे टच करके आप लोग को लेयर को लगा लेना है बढ़िया से एंड इसको आप लोग को छोटा करके एंड क्या करना, कंट्रोल को आप लोग को 20 के प्लस में रख लेना है, ठीक है। 20 के प्लस में रखने के बाद यहाँ पे सेचुरेशन को आप लोग को यहाँ पे 30 के प्लस में रख लेना है, 30 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद डन कर लेंगे, फिर से वही आप लोग को काम करना है, यहाँ पे आ जाएंगे, फिर आप लोग को वही काम कर लेना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं इतना करने के बाद आप लोग को यहाँ से डन कर लेना है दोस्तों। जैसे ही डन करेंगे फिर से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग को शेयर वाला आइकन मिल जाएगा, शेयर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड आप लोग को इस फोटो को शेयर कर लेना है ऑटोडेस्क स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग ऑटोडेस्क स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेते हैं। बस हम लोग का बाकी है जो कि फेस स्मूथ करना है, ठीक है। बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही खतरनाक ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ से चलते हैं, आप लोग को यहाँ पर दिखाते हैं ऑटोडेस्क स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे ऑटोडेस्क स्केच बुक अप्लीकेशन के अंदर आते हैं तो आने के बाद आप लोग को क्या करना है, बस आप लोग को इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना है, ठीक है। थोड़ा सा अगर वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आप लोग है जो कि समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोग शुरू से लास्ट तक यहाँ पे देखिएगा तभी आप लोग समझ पाएंगे। और आप लोग कमेंट करते हैं कि भाई मेरा फेस स्मूथ जो है कि होता नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को पूरा लाइव दिखाएंगे, फुल ट्यूटोरियल लेकर आए तो पूरा यहाँ पे फेस स्मूथ करके दिखाएंगे। यहाँ पे एक पेंसिल और आइकन जैसे बना होगा, ठीक है ना, तो इस पर क्लिक कर देंगे। पाँच वाले ऑप्शन पे यहाँ पे देख लीजिए, पाँच वाले ऑप्शन पे पेंसिल आइकन बना, इस पर क्लिक कर देंगे एंड सबसे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। सबसे ऊपर आने के बाद हल्का सा स्क्रॉल करेंगे एंड नीचे करेंगे तो इस वाले ब्रश को आप लोग को चूज़ कर लेना है, ठीक है ना। इस वाले ब्रश को चूज़ करने के बाद यहाँ पे सेटिंग वाले में आ जाएंगे एंड इस पर आप लोग को क्लिक करना है। देखिए
यहाँ पे जहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ वहाँ पे क्लिक करिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करिएगा या तो आप लोग का इस पर होगा, ठीक है दोस्तों, एंड इस पर होगा, एंड इस पर होगा, एंड इस पर होगा, किसी पे भी होगा, आप लोग को क्या करना है, स्मूथ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग को क्लिक करके एंड स्मूथ पर क्लिक कर देना है, एंड बीच वाले को आप लोग को 3 रख लेना है फ्लो को, और उन यहाँ पे लास्ट वाले को 29 रख लेना है। सबसे पहले वाला साइज को आप लोग को यहाँ पे जितना मर्जी उतना रख सकते हैं, कुछ 36 के आसपास में रख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे ब्रश को आप लोग की स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग फेस को जूम करना है। फेस को जूम करने के बाद यहाँ पर आप लोग को फिर यहाँ पे फेस को स्मूथ करना है, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत आएगा ना भाई तो कमेंट करके बताए। यहाँ पे देख लीजिए भाई, कोई भी लगा नहीं है, लेयर और नहीं लगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही खतरनाक तरीके से हम लोग का फेस स्मूथ हो रहा है, बहुत ही लाजवाब तरीके से भाई। आप लोग भी करिए, 100% भाई होगा, ठीक है भाई, 100% भाई होगा। आप लोग जो है कि मेरे वीडियो को फेक मानते हैं, आप लोग यहाँ पे मतलब देखते नहीं हैं, ठीक है ना। तो भाई बहुत ही खतरनाक ट्यूटोरियल लेकर आता रहता हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस करिए, एंड जब भी मैं एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो डालूँगा ना तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। यहाँ पे देखिए कितना बवाल तरीके से फेस स्मूथ किया हूँ, जो कि बहुत ही खतरनाक तरीके से। यहाँ पे देखिए यहाँ से हम लोग फेस को स्मूथ कर लेते हैं, जो कि भाई कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग करिएगा, कोई आए तो कमेंट करके। बहुत ही खतरनाक तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए बहुत ही लाजवाब तरीके से फेस स्मूथ हो रहा है। जाइए भाई, आप लोग भी करिएगा, एंड थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे रुक जाइए, जैसे कि आप लोग यहाँ से वीडियो जैसे ही ख़त्म होता है वहाँ पे जा करके आप लोग फोटो एडिटिंग कीजिएगा। एंड आप लोग को यहाँ पे मतलब एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जैसे कि आप लोग सोचो तो लिप्स को कलर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोग छोटा बड़ा साइज को कर करके करिएगा फेस स्मूथ, बहुत ही टाइम दीजिएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ से मैं इसलिए तेज़ी में कर रहा हूँ ना भाई लोग की, मैं सिखा रहा हूँ आप लोग को। वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग देखेंगे नहीं, यही गलती करते हैं, जो कि वीडियो मेरा कितना भी बड़ा रहे आप लोग देखिएगा तो देखेंगे तभी आप लोग एडिटिंग सीख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का जो है कि पूरा टूल पूरा फुल ट्यूटोरियल लेकर मैंने कर दिया हूँ। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए कोई भी दिक्कत नहीं आया है यहाँ पे फेस स्मूथ में। कहीं कहीं पर भी दिक्कत आए तो आप लोग आराम आराम से कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले आप लोग को फिर से क्या करना है, तो दोस्तों सबसे पहले फिर से आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन बना होगा, देखिए यहाँ पे सबसे लास्ट वाले से एक इधर आ जाएंगे तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, एंड ऊपर के यहाँ राइट साइड में ऊपर के आप लोग के तरफ में एक प्लस वाला आइकन बना होगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड यहाँ पे आप लोग को फेंसर वाला आइकन जहाँ पे पहले क्लिक किए थे पच वाले पे, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। एंड थोड़ा सा इसी को आप लोग ब्रश को चूज़ किए थे ना, तो आप लोग को इस वाले ब्रश को चूज़ कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे इतना चूज करने के बाद यहाँ पे सेटिंग देख लीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद आप लोग को फिर से क्या करना है, अपने लिप्स पे जूम करना है, ठीक है ना दोस्तों। एकदम जूम कर लेना है, एकदम बहुत बारीक तरीके से जूम कर लेना है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को एक कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके एंड आप लोग को रेड कलर रख लेना है, ठीक है ना। इसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आराम आराम से अपने लिप्स पर अप्लाई करना है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा साइज को बढ़ा करके भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा होगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम लोग कितना बवाल तरीके से जो है कि कर रहे हैं, ठीक है। हल्का सा ऊपर भी मार के उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पे सत्र वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे एंड लेयर पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। एंड जो यहाँ पे हंड्रेड है ना, इसको आप लोग को कम माइनस करके एंड इसको आप लोग को जहाँ जहाँ पर मतलब ज़्यादा बाहर निकल आएगा ना तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर छोटा सा एक बूंदा होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पे मेरा कलर हुआ ना, तो यहाँ पे आप लोग का एक छोटा सा बूंदा होगा, इस पर क्लिक करके एंड इस पर क्लिक कर देना, देखिए एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ना, तो आप लोग जहाँ यहाँ पर मतलब फिर से आप लोग यहाँ पे कट कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर बाहर कर दिए होंगे ना तो यहाँ पे कट कर सकते हैं दोस्तों, ऐसे ही कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।